तो भाइयों, अरिजीत सिंह का गाना और MS धोनी का फॉर्म में वापस आना, ये दोनों ही चीज इंडिया के लोगों को बहुत पसंद है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स मैच तो हार गई होगी, लेकिन MS धोनी का हाफ सेंचुरी देख के मुझे पक्का विश्वास है कि चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को हारने का ज्यादा दुख नहीं हुआ होगा। तो मैं पर्सनली बोलूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि MS धोनी फॉर्म में फिर से वापस आ चुके हैं। 2 साल बाद उन्होंने 50 लगाई। अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई के मैच हारने का बहुत सारे कारण है। जैसे पहला कारण हुआ उमेश यादव की घातक बॉलिंग, उसके बाद चेन्नई का जल्दी विकेट गिरना, ऋतुराज का न चल पाना, जडेजा का थोड़ा धीरे खेलना। तो बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग तो CSK की भी थोड़ी ठीक ठाक थी, लेकिन CSK जो मैच हारा है ये सिर्फ बैटिंग में हारा है। KKR ने इस मैच में बहुत अच्छा खेला और वो ये जीत डिजर्व करते थे। तो चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPL 2022 के चौथे मैच यानी कि लखनवी नवाब वर्सेस गुजरात के गरबा किंग्स के बीच, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच। तो अगर हम दोनों ही टीम की बात करें तो दोनों ही टीम इस IPL में बिल्कुल नई आई है। लखनऊ के कप्तान है KL राहुल, तो वहीं गुजरात के कप्तान है हार्दिक हार्ड हिटिंग पांड्या। तो चलिए हम पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करते हैं। तो अगर हम पहले अनअवेलेबल प्लेयर्स की बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे में, तो वो है मार्कस स्टोइनिस, जेसन होल्डर, काइल मेयर्स और मार्क वुड तो पहले ही IPL से अपना नाम वापस ले चुके थे इंजरी के कारण, जिनके रिप्लेसमेंट के तौर पे लखनऊ सुपर जायंट्स ने एंड्रू टाई को साइन किया। ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था। तो जेसन होल्डर और काइल मेयर्स वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका पार्ट है, इसीलिए वो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ कम से कम 2 मैचेस मिस करेंगे। मार्कस स्टोइनिस अभी पाकिस्तान में है, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो सीरीज चल रहा है तो वो भी कम से कम 2-3 मैचेस तो मिस पक्का करेंगे। तो अगर हम अब बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो लखनऊ सुपर जायंट्स की बैटिंग बहुत ही कारगर लग रही है, बहुत ही स्ट्रांग लग रही है। इनके पास ओपनर है KL राहुल, क्विंटन डिकॉक जैसे। इनका मिडिल ऑर्डर भी ऑलराउंडर से भरा पड़ा है, चाहे हम बात करें कुणाल पांड्या की, दीपक हुड्डा की, कृष्णप्पा गौतम, और इनके पास एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज के तौर पर मनीष पांडे भी है। अगर हम इनकी बॉलिंग की बात करें तो इनकी बॉलिंग इनको थोड़ा सा तो दिक्कत दे ही सकती है। इन्होंने सबसे महंगा आवेश खान को खरीदा है, वो पिछले IPL में उनका फॉर्म अच्छा था, अभी IPL में देखने योग्य है। मार्क वुड ने अपना नाम वापस लेने से एंड्रू टाई तो आए हैं, एंड्रू टाई 35 साल के हैं, लेकिन मार्क वुड उनसे बेहतर थे, तो इसीलिए लखनऊ सुपर जायंट्स को मार्क वुड की कमी भी जरूर खलेगी। तो कुल मिला के बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की बॉलिंग मुझे थोड़ा सा वीक लग रही है। तो अब अगर हम बात करें गुजरात के टाइटंस की, तो इनको भैया अवेलेबिलिटी का ज्यादा टेंशन नीचे नहीं है। जेसन रॉय तो इनको पहले ही छोड़ के चले गए थे, जिनका इन्होंने रिप्लेसमेंट भी ले लिया रहमानुल्लाह गुरबाज को। और पहले मैच की बात करें तो इनका सिर्फ एक ही प्लेयर अनअवेलेबल होने वाला है, जो कि है वेस्ट इंडीज का अल्जारी जोसेफ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनके अनअवेलेबल होने से इनको ज्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो अगर हम इनकी बैटिंग की बात करें तो इन्होंने शुभमन गिल को ऑक्शन से पहले ही ले लिया था, ऑक्शन में इन्होंने रिद्धिमान साहा को खरीदा, मैथ्यू वे, डेविड मिलर जैसे बल्लेबाज इनके पास है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो हार्दिक पांड्या, कप्तान हार्दिक पांड्या, राहुल तेवतिया, डोमिनिक ड्रेक, विजय शंकर जैसे ऑलराउंडर्स इनके पास है। मैं अगर ऑनेस्टली बात करूं तो इनका बैटिंग मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स के कंपैरिजन में। तो अब अगर हम इनकी बॉलिंग की बात करें तो इनकी बॉलिंग मुझे बहुत ही अटैकिंग लग रही है। इनके पास 2 घातक फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी और लॉकी फर्ग्यूसन है। अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो इनके पास राशिद करामाती खान है, T20 के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर, और उनके साथ रवि साई किशोर भी है जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करके आ रहे हैं। इनके पास हार्दिक पांड्या, राहुल तेवतिया भी है, लेकिन हार्दिक पांड्या बॉलिंग करेंगे या नहीं ये अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है। अब आपको इस मैच में ही पता चलेगा कि हार्दिक बॉलिंग करते हैं या नहीं। तो कुल मिला के अगर हम गुजरात के टाइटंस की बॉलिंग की बात करें तो इनकी बॉलिंग मुझे लखनऊ सुपर जायंट्स से बेटर लगी है, यानी कि बैटिंग में ऑन पेपर लखनऊ सुपर जायंट्स बेटर लग रही है और बॉलिंग में ऑन पेपर गुजरात टाइटंस बेटर लग रही है। तो अब अगर मैं अपने 4 प्रिडिक्शंस की बात करूं तो मुझे लगता है इस मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हैं कमाल लाजवाब राहुल, KL राहुल, क्योंकि भैया IPL में वो बहुत रन बनाते हैं। तो दूसरा प्रिडिक्शन की बात करूं तो मुझे लगता है इस मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेंगे लॉकी फर्ग्यूसन, न्यूजीलैंड के बॉलर हैं ये, पिछला IPL इनका कमाल का गया था और उम्मीद है कि ये IPL भी इनका अच्छा जाएगा। तो मुझे लगता है इस मैच में सबसे ज्यादा छक्का लगाएंगे किलर मिलर, डेविड मिलर। डेविड मिलर बहुत ही धुआंधार बल्लेबाज हैं साउथ अफ्रीका के और इस मैच में जम के रन बना सकते हैं। तो अब लास्ट प्रिडिक्शन की, ये मैच कौन जीतेगा, ये मेरे लिए बहुत टफ था, मैंने बहुत सोचा, सो आई विल गो विद गुजरात टाइटंस। मुझे लग रहा है ये मैच गुजरात टाइटंस जीत जाएगी। दोनों ही टीम अभी सेम स्ट्रांग लग रही है, लेकिन मैं गुजरात टाइटंस के साथ जाऊंगा, गुजरात के गरबा किंग्स के साथ जाऊंगा। तो भाई आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके भी कोई प्रिडिक्शन है या फिर कोई प्लेयर है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।